हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि लॉन्च पैड्स जो है वो हमें बेस्ट प्राइसेस क्यों देते हैं। मतलब आप कितना भी अच्छा ट्रेड कर लीजिए, अगर एक बार ये कोइन किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, उसके बाद आप कितना भी अच्छा ट्रेड कर लीजिए, मतलब एकदम आपने एकदम सही टाइम पे पैसा लगाया, सही टाइम पे उससे निकले, लेकिन फिर भी जो बंदा लॉन्च पैड से उस पर इन्वेस्ट किया है उससे आप रिटर्न कम ही कमा पाएंगे। तो मतलब वो बोलते ना कि हर शेयर का कहीं ना कहीं सवा शेयर होता है। तो जो लोग एकदम एक्सपर्ट हैं ट्रेडिंग करने में, उनका सवा शेयर है कि लॉन्च पैड्स में जो लगा रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब लॉन्च पैड्स में क्या होता है कि ये है डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ गेटिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द पब्लिक। तो पहले ऐसा होता था, पहले जब कोई कॉइन लॉन्च होता था तो उनके पास एक प्राइवेट सेल का ऑप्शन होता था, और वो सेल में वही लोग पार्टिसिपेट कर पाते थे जो उसके वेल इन्वेस्टर होते थे, ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगाते थे एंड जिनसे उस प्रोजेक्ट को फ़ायदा होता था। फिर आया लॉन्च पैड जो इसको डिसेंट्रलाइज्ड वे में कर रहा है, ठीक है। तो आप इससे मतलब बहुत, इसमें क्या होता है कि रैंडमली लोगों से छोटे छोटे अमाउंट में ही लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है प्रोजेक्ट को, तो इससे प्रोजेक्ट का फायदा है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके उनको से क्या होता है कि उनको बहुत ही चीप प्राइस चीज़ें मिल जाती हैं, तो इससे उनका फ़ायदा होता है। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, ठीक है, तो ये है डाउ मेकर, जिसमें हम नीचे आते हैं, ये भी एक लॉन्च पैड है, ठीक है। अब इसमें आते हैं तो अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें तो योर AI प्रोटोकॉल 107 घूमने का रिटर्न दिया है, एडू 3 लैब्स 11.4 टाइम्स, ठीक है, 10.5 गुना, ये सब ये 0.9 गुना, मतलब लगभग 1 गुना 90% का रिटर्न दिया है, या 5 गुना या 28 गुना। तो अगर आप देखेंगे तो कोई एकदम कम है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं है एक, अगर इसको आप देखें मतलब कम भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज़ एकदम टॉप है, लेकिन अगर आप देखें तो ये कम है। लेकिन अगर आप बाकी सब देखें, अब इसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है, उसका कुछ अलग इशू होगा। तो इसमें देखें अभी 13, 21, ये सब इतने, जैसे 5, अब जैसे जिस बंदे ने इसमें लगाया होगा $10 स्वीप पैड में, उसको $65 मिला होगा, ठीक है, $10 के बदले $88 मिला होगा, ठीक है। इसमें मैंने भी लगाया था प्ले टोकन में, ठीक है। उसके बाद फिर MAG BFITTER, ये सब देखिए आप, 14, 15, 100, ये देखो 3 डिजिट का 150% का रिटर्न दिया है, 43। अभी आप ₹10 लगा रहे हैं, सॉरी $10 लगा रहे हैं, आपको $430 मिल रहा है, तो ये भी बुरा नहीं है, मतलब अगर 10 में 430 तो बहुत अच्छा है। तो ये 43% का रिटर्न, 2.34, ऐसे आप देखते जाइए, ठीक है, 208, ठीक, तो ये सब अच्छा अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 5352, तो इतने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है। अब इसमें क्या, इससे ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, तो इस परसेंट का रिटर्न मतलब इतने गुने का रिटर्न मिलता है। लेकिन क्या होता है, लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करनी है, ठीक है। ये सब जो आप केसेस देख रहे हैं वहाँ, वो सब वहाँ पे इसलिए लिस्टेड है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। ऐसे केसेस नहीं लिस्टेड है जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बहुत सारे जो टॉप प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्च पैड के बया ही लॉन्च होते हैं, ठीक है, और इसमें भी ये एरू गैरू लॉन्च पैड पे नहीं चले जाते। जैसे अभी मान लीजिए, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही लॉन्च पैड है, जैसे BSC पैड है, पेड नेटवर्क है, ठीक है, ऑल स्टार्टर है, तो ऐसे बहुत सारे लॉन्च पैड हैं, लेकिन जो ट्रस्टेबल लॉन्च पैड है उसी पे बड़े बड़े ये मतलब प्रोजेक्ट्स आते हैं जो लॉन्च होते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम जब रिसर्च करें तो लॉन्च पैड के बारे में भी रिसर्च करें, और उस लॉन्च पैड में कौन सा प्रोजेक्ट हम खरीद रहे हैं उसके बारे में भी रिसर्च करें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एडवांटेज ये होता है कि रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम हो गए, आप हो गए, जो हम लोग $1,000, $2,000 या $10,000 इतना लगा रहे हैं, जो छोटा मोटा पैसा लगा रहे हैं, इनको भी जो VCs होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, उनके जितना ही प्राइस मिलता है, मतलब उनको अगर सस्ते पे मिल रहा है तो हमें भी सस्ते पे ही मिलेगा, ठीक है। ये एडवांटेज होता है, क्यों, क्योंकि ये IDO है,
इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, ये डिसेंट्रलाइज्ड वे, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड वे से, ठीक है, मतलब इन अलाउ लिस्ट बनती है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, आपको क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मतलब 99.9% ऑफ द क्रिप्टो जो लॉन्च पैड से आती हैं वो अंडर 1 मिलियन मार्केट कैप होती हैं। और अगर आप कॉइन DCX पे देखेंगे, ठीक है, कॉइन DCX पे देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका मार्केट कैप 1 बिलियन से ऊपर है। ये तो मतलब टॉप 10 है, अगर हम एकदम नीचे भी जाएं, ठीक है, ये सो लेट्स गो 4 पेज पे, ठीक है, तो इनका भी देखेंगे तो ये लगभग देखो ये वाला 231 मिलियन 233 मिलियन। तो मान लीजिए अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी में घुसे जिसका मार्केट कैप 1 मिलियन के कम है और वो 233 मिलियन ही पहुंच गया, अब 233 मिलियन 302 रैंक पे है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम टॉप है, एकदम नहीं, 302 रैंक पे है, तो भी आपको 233 गुने का रिटर्न मिला, ठीक है। तो अंडर 1 मिलियन मार्केट कैप में घुसते हैं तो गेन का पोटेंशियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आईडियोज, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आईडियोज सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ के नहीं होते, ये डिफरेंट ब्लॉकचेन के होते हैं, डिफरेंट क्रिप्टो कैटेगरीज के होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आईडियोज होगा जिसमें मीम कॉइन फीचर होगा, कोई आईडियोज होगा जिसमें गेमिंग कॉइन फीचर होंगे, या कोई आईडियोज BNB पे हो रहा होगा, कोई कार्डानो पे हो रहा होगा, कोई पॉलीगॉन पे हो रहा होगा, तो ये बहुत सारी वास्ट कैटेगरी, तो हम किसी भी कैटेगरी में घुस सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें लॉन्च पैड में एक्सेस मिल सकता है, और इस हिसाब से मतलब अगर आप समझें तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है, शायद ये तरीका आपके दिमाग में पहले आया हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा वे हो सकता है आपको अच्छी इनकम लेने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सुनो सब्सक्राइब करके जाना।